हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हैं आप? तो आज है मार्च की 1 तारीख है दोस्तों, और 1 मार्च है आज। और काफ़ी अब धूप होने लगी है, गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है दोस्तों हमारे झांसी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलंचे बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे खिलते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड और देसी दोनों ही लगे हुए हैं, और दो कलर हैं मेरे पास, एक लाइट येलो है और एक हल्का ऑरेंज है। तो दो सेट हैं। और इसमें दोस्तों मुझे आज कुछ काम करना था, हैंगिंग बास्केट अपनी तैयार करनी थी, तो वही आपके साथ शेयर करना है। तो देखिए, ये कुछ मैंने हैंगिंग बास्केट निकाली थी कल, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इनकी हालत हो रखी है। तो देख सकते हैं टर्टल वाइन ने कितना कब्जा करके रखा है अपना, पूरा पूरा फैल गया है। और मैंने दो तीन दिन से पानी इसमें नहीं दिया है, तो कुछ इस तरह से हो गए हैं ये प्लांट। तो आप मुझे इन्हें कुछ सही करना है हैंगिंग बास्केट को। और मैंने दो हैंगिंग बास्केट कल ठीक की हैं, तो वो आपको दिखाती हूँ। तो एक मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है, इसमें मैंने अजवाइन का प्लांट लगा दिया है, और नीचे टेंगल हार्ट भी लगा है। और मैंने यहाँ पे कुछ एक हैंगिंग बास्केट और प्रिपेयर की है। तो यहाँ पे एक कलंचू, और यहाँ पे बेबी टीयर्स, और ये टर्टल वाइन भी थोड़े थोड़े लगा दिए, ताकि ये ऊपर को जाएगा ऐसे, बहुत खूबसूरत लगेगा। कुलियस ऊपर जाएगा, और ये टर्टल वाइन नीचे को आएगा, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये बेबी टीयर्स ऐसे लगते हैं, बहुत खूबसूरत से, गुड्डे के बाल जैसे प्यारे से लगते हैं। तो ये मैंने तैयार किया है, और यहाँ पे अपना स्पाइडर प्लांट को हैंग कर दिया है। तो ये देखिए, इसके ये नीचे गिरते हुए पप्स कितने प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है हैंगिंग बास्केट के लिए, बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो आप अगर हैंगिंग बास्केट लगाने के शौकीन हैं, तो ये प्लांट जरूर ऐड कीजिए अपने हैंगिंग बास्केट में, बहुत प्यारे लगते हैं। और मुझे भी लगाना है, तो एक मैं यही प्लांट लगाती हूँ, और कुछ और लगाती हूँ। तो और दिखाती हूँ मैं आपको कि हम हैंगिंग बास्केट की मिट्टी कैसे प्रिपेयर करें और कैसे उनको हैंग करें। तो दोस्तों, मैंने ये इसमें से हैंगिंग बास्केट में से ये मिट्टी मैंने निकाली है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है इसकी मिट्टी। और मैंने बहुत सॉफ्ट मिट्टी बनाई थी, और देख ही सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी है। देखिए, चिकनी मिट्टी ऐसी होती है, अगर आप ऐसे करें तो ये लड्डू टाइप का बन जाएगा, और मैं भुरभुरी मिट्टी में ये सब नहीं होता है, बहुत अच्छी मिट्टी है देखिए। और बिल्कुल हल्की मिट्टी बनाना है आपको हैंगिंग बास्केट के लिए। और आप अभी दोस्तों पर्सलिन भी इसमें लगा सकते हैं, देखिए ये मेरे पिछले साल का है, तो निकल आया है, और बेस्ट ऑप्शन है पर्सलिन का, मॉस रोज पर्सलिन आप लगा सकते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये टर्टल वाइन भी अच्छी लगती है दोस्तों, बट सारे में टर्टल वाइन लगी थी बहुत ज़्यादा, ये सॉरी टेंगल हार्ट लगा था, और ख़राब भी हो रहा था, तो मुझे ये बास्केट निकालनी थी। तो ये सब देखिए मैं निकालती हूँ, और इसमें कुछ अलग प्रकार के प्लांट लगाती हूँ, क्योंकि ये एक ही टाइप के प्लांट लगे लगे बहुत टाइम हो गया है, तो इनको थोड़ा चेंज करते हैं और दूसरे बनाते हैं। और दोस्तों, इसकी मिट्टी में आप थोड़ा सा कोकोपीट और राइस हस्क ज़्यादा मिला लीजिए, ताकि आपकी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो, हैंग करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि भारी मिट्टी में दोस्तों प्लांट गिरने का भी डर रहता है। तो सॉफ्ट मिट्टी ही बनाई जाती है, और ये जो रहते हैं ये छोटा छोटा भी ग्रो हो जाता है, आप ऐसे मिट्टी में रख दीजिए बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो हम सारा हैंगिंग बास्केट अपनी खाली करके सारी, और इसमें कोकोपीट मिलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, यही मिट्टी मैं यूज़ करूँगी, यही पुरानी मिट्टी है हैंगिंग बास्केट की, और अच्छी है, हल्की है, थोड़ा कोकोपीट में डाल लेते हैं और थोड़ा सा राइस हस्क, तो इससे हमारी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी नीम खली। और दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, क्योंकि ये सारे प्लांट ईजिली चल जाते हैं, कोई खाद की भी ज़्यादा नीड नहीं रहती। और आप चाहे तो गोबर खाद इसमें डाल सकते हैं, और हम सारे आपको निकाल के दिखाते हैं। वीडियो ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ही मिल सके, और शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं फिर हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं लेके आई हूँ, इसमें राइस हस्क है और कोकोपीट भी है, थोड़ी सी गुडास मैंने मिलाई है इसमें, ताकि हमारे प्लांट्स को कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो बहुत अच्छी मिट्टी बन के तैयार होगी दोस्तों, हल्की रहती है, और हल्की मिट्टी ही में हमें हल्की मिट्टी बनाना है, बिल्कुल हल्की,
लाइट वेट मिट्टी, तो लाइट वेट सॉइल रहेगी दोस्तों तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छे से हमारे हैंगिंग बास्केट के प्लांट चलते हैं और हमारी हैंगिंग बास्केट भारी भी नहीं होती, जिससे कि गिरने का डर भी नहीं होता। तो बस हम मिक्स कर लेते हैं और फिल कर लेते हैं। और दोस्तों मैंने इसमें एक नेट का कपड़ा डाल दिया है और हम ये फिल करके इसमें स्पाइडर प्लांट लगाएंगे। तो जो जो हम प्लांट लगाएंगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी सारी इसमें रूट्स हैं और हम इनको कट करके इसमें लगाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी रूट्स फैलती हैं। तो ये मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है और रूट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी ये कट कर देते हैं इतना और इसमें लगा देते हैं। तो ये हमारा हैंगिंग बास्केट तैयार हो गया है और यहाँ पर मैंने टर्टल वाइन भी लगा दिया है। देखिए तो बस ऐसे ही रख दिया है और हल्की सी मिट्टी डाल देनी है, बहुत जल्दी इजली रख जाते हैं। और ये नीचे की तरफ लटक के आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे दोस्तों। तो हम और ऐसे फिल कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने हैंगिंग बास्केट सारी तैयार कर ली है। इसमें मैंने पर्सलिन लगा दिया और टर्टल वाइन साइड में लगा दिया है। इस यहाँ पे जेट प्लांट लगाया है और टर्टल वाइन इसमें साइड में लगा दिया ताकि नीचे की तरफ आए। और एक इसमें स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग भी लगा दी है और यहाँ पे जेट प्लांट लगा दिया है साइड में। यहाँ पे टर्टल वाइन भी लगा दिया है और यहाँ पे एक देखिए ये रियो का प्लांट, ये नाम सॉरी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टर्टल वाइन भी लगा दिया है और यहाँ पे ये सब चल रहा है। और यहाँ पे देखिए पर्पल हार्ट ये लगा दिया है। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों, जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे और टर्टल वाइन नीचे की तरफ से पेंड होगी तो बहुत प्यारे लगेगी लटकते हुए और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया है। तो और ऐसे प्लांट चूज़ कीजिए जो एक साथ चल सके। तो दोस्तों टर्टल वाइन सब में चल जाती है, बहुत ईजिली चल जाती है और कम पानी में भी ज़्यादा पानी में सब में चल जाती है। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं खूबसूरत से। तो हैंगिंग बास्केट आप भी तैयार कीजिए और अभी सही समय है, हैंगिंग बास्केट आप अभी तैयार कर लेंगे तो आगे टाइम में बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और हम पानी डालना है दोस्तों और छाया में रखना है 3-4 दिन, उसके बाद आप हैंग कर दीजिए कहीं भी। तो इनको सेमी शेड में हैंग करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छाया में ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय। और ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ इनका चल रहा है, तो देखिए इसकी और कटिंग लगा लेंगे हम। और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में हैंग कर सकते हैं, बट इसको कम पानी चाहिए रहता है और थोड़ा सा धूप भी चाहिए रहती है, इसलिए आप थोड़ा इसको ऐसी जगह हैंग कीजिए जहाँ धूप भी आए इसको 2-4 घंटे की और कम पानी इसको दीजिए आप, तो आराम से ये प्लांट चल जाएगा। तो बाय फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। बाय दोस्तों।